हाँ तो सभी को राम राम। आज आ गए हम फिर दोबारा पार्क में एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। और आज सुबह जल्दी आया हूँ, कुछ रीज़न है उसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ एक दो ग्रुप से बात हो जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से वॉक करने के लिए आते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो उसी से बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं, किसी से जो मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं तो वॉक क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, उनको इससे क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली पार्क में आने का मकसद यही है कि यहाँ से मैं आपको कुछ दिखा सकूं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। और कुछ लोग हैं जो घर में रहते हैं, सोते रहते हैं, ये नहीं कहूँगा कि वो जागरूक नहीं है, बट ये कह सकता हूँ कि उनकी ये आदत नहीं है पार्क में ना आना। तो बस एक उस आदत में और इस आदत में दोनों में एक कंपैरिजन करके कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है वो आपको बताने की कोशिश है। गलत किसी के लिए नहीं है, बट जो कर रहा है, जो पार्क में आ रहा है, अपना टाइम देता है और उसको क्या बेनिफिट होता है, बस वही बताने की कोशिश है। राम राम जी। वापिस सांस लेते हुए बाएं, वापिस सांस लेते हुए दाएं, वापिस चेंज गर्दन के बाएं से चार सर्किल पहले फिर दाएं से, एक दो तीन चार, वापिस पांच छः सात आठ, वापिस आठ सात छः पाँच, वापिस चार तीन दो एक चेंज। बाएं हाथ को बाएं कनपट पर लगा के सर की तरफ दबाएंगे, सर को हाथ की तरफ सांस लेते हुए, दाएं पीछे आगे, वापिस बाएं दाएं पीछे आगे,
राम राम जय। ब्रेक 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 हो गया भाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो जा ब्रेक हो गया। हाँ तो इसमें कितनी देर का ब्रेक देते हैं आप लोग? बस 2-3 मिनट का है। 2-3 मिनट का। अच्छा तो एक बात मुझे पूछनी थी। जैसे अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा चैनल कोई देखेगा और समझेगा आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आपको गर्दन ऐसे करने से या ऐसे करने से? गर्दन से, गर्दन का वो होता है, गर्दन के जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, उसे फायदा होता है। नहीं तो जी ये सब चीजें तो टीवी में भी दिखाते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है। वैसे अपने जो आप लोग फायदा कर रहे हैं वो कर करें ना करें, प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं तो आपको वाकई फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है 101%। हमारी ये खुराक बन चुकी है। अच्छा अगर नहीं आते तो बिल्कुल ही आनंद नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ इस कौन सा चैनल है भैया जी? 100 साल के भी लोग। कौन सा चैनल है आपका? बहुत बढ़िया चैनल है। सांसद जी राम राम जी, राम बिना योगा के नहीं रह पाते। अच्छा अच्छा योगा के बिना नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। ऐसा क्योंकि योगा देंगे। अच्छा योगा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा ये बिल्कुल छोड़ देंगे, योगा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये देखो ग्लो ही चल रही परमानेंट, एक सुबह एक शाम योगा के चक्कर में भी बच्चे छोड़ रखते हैं। अच्छा ये गिलो का क्या काम रहता है? गिलो 101% हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाती है। क्या क्या फायदा पहुंचाती है? वैसे तो रामदेव बाबा जी बोलते हैं इस समय देखो सीजन चल रहा बुखार का। हाँ। हमारे चबूतरे में किसी को बुखार टेस्ट नहीं कर सकता है गिलोय की वजह से। जब से कोई शिकायत नहीं है और हमारे डॉक्टर साहब गिलोय फ्री देते हैं दे रहा हमारे डॉक्टर साहब गिलोय फ्री दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। शुगर में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर भी दवाई डाल रहे हैं क्योंकि मचान पे तो दवाई डालते हैं सभी। देखो दवाई भी डालते हैं। अच्छा रामदेव की देखिए सुबह की लाइफ है और सुबह की लाइफ में कितना एनर्जेटिक है, सभी लोग तरोताजा हैं। 110% बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो दिखाने की यही कोशिश है कि एक लाइफ वही नहीं है कि जो घर पे होती है, एक लाइफ ये भी है जो पार्क में हो रही है और सुबह के भी करीब 6:15 के आसपास बज रहे हैं और सभी लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितने तरोताजा हैं और ये अपने तरोताजा को अपने आप को तरोताजा कैसे रख रहे हैं वही आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। तो देखते रहिए अभी और इनसे बातें करनी है, अभी इन्होंने ब्रेक लिया है 2-3 मिनट का। और शाम के लिए ले भी लिए, ये फायदे हैं गिलोय के। तो शाम के लिए आपने क्यों लिए? इसलिए कि मैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों का भी फायदा करता हूँ। इधर आ जा, तुझे कितना फायदा? आंख बंद है, दवाई डली। मैंने अभी बाबा रामदेव की दृष्टि दवाई डलवाई, फ्री डलती है यहाँ पे। अच्छा सब कुछ फ्री मिलता है। हमारे जेपी लाला जी है, बहुत अच्छे आदमी है, बेचारे 2 दिन मिठाई खिलवाते हैं वृंदावन की यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मिठाई भी मिलती है? मिठाई भी मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। जन्मदिन होता है वो हाँ। पूरी है। अच्छा अच्छा बाबू जी का 1 तारीख को जन्मदिन है। अच्छा 51,000 रुपए का यहाँ व्यवस्था करी गई है। ओहो हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये सेलिब्रेशन घर पे नहीं होता? नहीं नहीं घर पे कुछ नहीं, यहाँ हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? घर पे अलग है? हाँ यहाँ अलग है, घर पे अलग है। अच्छा अच्छा ये दुनिया सिर्फ ये लाइफ यहाँ की लाइफ है, यहाँ की लाइफ। ये हमारे देखो ये बुड्ढा है, ये 33 साल से आ रहा है यहाँ। हाँ कितने साल से आ रहे हैं? 33 साल से। 33 साल से। मोहन भागवत जी बोलो, भागवत जी बोलो ना यार, बोलो ना न्यूज में। कितने साल से आ रहे हो? कितने साल से आ रहा है बताइए? 33 साल से। आँख खोलो। कोई बात नहीं, आँख बंद भी रखो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपने दृष्टि डलवाई हुई है। ये हमारे अनुज हैं। 35 साल हो गई आते आते यहाँ। 35 साल हो। तो 35 साल से कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है क्या यहाँ पे आके? अरे अब दिख नहीं रहा कितना ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, संपूर्ण है। 35 साल से आ रहे हैं, 4:30 बजे कुछ जाते हैं। 4:30 4:45 घुस जाते हैं और 7:15 जाते हैं। 7:15 वापिस चले जाते हैं।
तो यहाँ से बेनिफिट क्या हो रहा है आपको करके? यहाँ पे आप सेहत स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, बेनिफिट यही है, 101% स्वस्थ है, सब शरीर सही चल रहा है, स्वस्थ समझ में आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप उनका उनका लीजिए, ये हमारे डॉक्टरों ने इनको मना कर रखा है। ये हमारे अंकल जी हैं, इनके इनको 3 बार अटैक आ चुका है पार्क की वजह से, सुरक्षित बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। तो पार्क की वजह से कैसे स्वस्थ? बिल्कुल, क्योंकि ये सुबह 4 बजे आते हैं और योगा करते हैं, शाम को 4 बजे फिर योगा करते हैं और सबको फ्री में गिलोई बांटते, पुण्य बहुत कमाते हैं और जो पत्रकार आते हैं उनको ट्रॉफी भी देते हैं। और इनका जो थैला है ये इसमें 51 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलेगी आपको। हाँ कुछ, हाँ कुछ देखो, ये काढ़ा है, स्पेशली किसी का पेट खराब हो जाए तो ये दवाई दे देते हैं जी। ये इनके अंदर देखिए दवाइयां छपी हुई हैं, ये देखो हर थैली में। ये खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। और ये मनोरंजन भी करवाते हैं सबको। लता मंगेशकर के गाने पुराने से पुराने इनके पास कलेक्शन मिलेगा आपको, 80 साल पुराना कलेक्शन इनके पास मिलेगा। इधर 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 बाबूजी, उधर भी कोई बताएगा भाई, बाबूजी बताएंगे। आप बताइए आपको क्या फायदा होता है यहाँ पे आके? हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराया था और अभी फहराया जाता है। अच्छा, नहीं यहाँ के झंडे की तो फोटो मैंने ली थी और सब लोगों ने जो यहाँ पे आपने झंडे लगा रखे थे यहाँ पे सैल्यूट किया था यहाँ पे झंडे को। और मैंने ये पिक्चर अपने वीडियो में अपने चैनल में अपलोड की थी और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि ये झंडा जो फहरा रहे हैं यहाँ पे फहरा हुआ किसने फहराया, और यहाँ पे सलामी भी दे रहे थे। वो शायद आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है, अगली बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वाकई ये झंडा यहाँ पे फहरा था और बहुत सुंदर लग रहा था, लोगों ने कमेंट किया। हमारे बाबू जी की उम्र हो रही कितना? 75 साल 74 73 75 साल की। अच्छा, और अभी भी फिट है बिल्कुल, जवानों को फैल कर रखा है इन्होंने, मतलब पार्क में आके ये खाना छोड़ देंगे। सब 60 प्लस हैं, 75 80 तक हैं। तो 42 का तो मैं ही हूं। अच्छा, 43 के आप ही हो? 42 के तो सबसे जवान आप ही हो। जवान है सभी जवान है वैसे तो, जब यहाँ पे जब आ रहे हैं आर्मी में सभी जवान होते हैं, चाहे वो 50 साल का हो चाहे वो 59 ईयर का हो। अभी जब शाम से आ रहा हूँ रेगुलर इनके साथ में, बहुत बढ़िया। मेरा मेरा मकसद बेसिकली आपसे बात करके ये बताना है, वो जो लोग जो घर में सोते रहते हैं या वो जो पार्क नहीं आते हैं या वो जो समझते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो उनको इसके फायदे बताने वाली बात है। या हम लोग पार्क की लाइफ कैसी है? पार्क की लाइफ 101% बहुत फर्स्ट क्लास है। हम लोग कोई दवा नहीं लेते हैं, जो घरों में ज्यादा सोएंगे वो दवा खाएंगे। बिल्कुल हकीकत है, जो घरों में सोएंगे वो दवा खाएंगे, उनको लीवर की सर दर्द बदन दर्द सर्वाइकल सभी बीमारियां घेरेगी। सर हम लोग ये सोचते हैं जब 4:30 बजे एंट्री करते हैं गेट में, तो घर में जो सोते हैं वो ये सोचते हैं कि जो 4:30 बजे उठ के जा रहे हैं ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, उनको पागल नजर आते हैं। अच्छा। और हम यहाँ आते हैं तो हम उनके बारे में यही सोचते हैं, क्या ख्याल है लोगों का। यहाँ पे जब हम आते हैं जो ताजा पागल है, अच्छा सुबह 4:30 बजे आ रहे हैं, 4:30 आ जाते हैं। नहीं नहीं तो पागल नहीं है, सब बेनिफिट ले रहे हैं, वही बेनिफिट उनके उन तक पहुंचाना है कि आप क्या क्या बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है, शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा, शरीर डाइजेशन एकदम दुरुस्त, कोई बीमारी लग जाए हम घर के भी नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते। कोरोना में भी किसी को शिकायत नहीं हुई? नहीं हुई। कोरोना पीरियड भी हम लोगों को टच नहीं कर पाया, सिर्फ एक आदमी छोड़ के, बाकी आते ही रहे यहाँ पे कोरोना के टाइम में, सिर्फ एक आदमी छोड़ गए, किसी को कोरोना ने टच नहीं करा, वो भी झूठ मूठ फंसाया गया। पार्क की वजह से कि योगा कर रहे हैं आप तो योगा से इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होती है। कोरोना में एक भी कम नहीं हुआ आदमी, कोरोना में एक भी कम ना हुआ, सारे के सारे सब ठीक ठाक है, सब फिट रहे, बूढ़ा जवान सब चलते रहे कोरोना में, लेकिन हाँ आना जारी रखा। वीर बजरंग बली की जय।
हर हर महादेव, जय कर। देखिए योगा करते करते भी ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, गोपाल बोलो, यानी कि योगा भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऊपर वाले का नाम भी ले रहे हैं, तो स्वास्थ्य के साथ साथ भक्ति का भी पुण्य कमा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखते हुए और बहुत मजा आ रहा है इस लाइफ को देखते हुए, इनकी इस लाइफ को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया सभी 60 प्लस है, एक या दो लोग हैं जो एक या दो साल कम है, अदरवाइज सभी 60 प्लस ही है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है इनकी लाइफ को देखते हुए, इंजॉय करते हुए। तो दूसरी तरफ ये यहाँ पे लोग ये जो ट्रैक है, ट्रैक पे वॉक करते हुए, जैसे जिसको पसंद आता है अपनी लाइफ, दिनचर्या शुरुआत करने की सुबह सुबह, वो वैसे ही शुरुआत कर रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, ट्रैक सब तरफ है, सभी तरफ से लोग आते हुए और अपनी अपनी सुबह की लाइफ को एंजॉय करते हुए। ये देखिए, ये कुछ दान पुण्य भी करते हैं, यहाँ पे डॉगी हैं जिनके लिए खाना लेके आते हैं लोग, और ये डॉगी देखिए कितने उछल कूद कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और ये आइए इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। रोजाना खिलाते हैं, बड़े प्यार से खाते हुए सुबह और दूसरों के बारे में, उनके लिए खाना दूध बिस्किट यहाँ पे लेके आए हैं, पक्षियों के भी लेके आए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। गोविंद जय गोपाल,
योगा के साथ साथ गोविंद का नाम भी लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मल्टीपर्पस काम कर रहे हैं लोग। बोल साचे दरबार जी, बोल कालका माई की जय, जय लाल जी, जय हर महादेव। तो देखिए ये है, ये योगा भी किया इन्होंने और भक्ति भी प्रकट की है, उसके साथ साथ इन्होंने डबल काम किया है, माता का भी नाम लिया, भगवान का भी नाम लिया और शरीर को स्वस्थ भी रखने का काम किया है। तो देखिए ये मल्टीपर्पस काम कर रहे हैं, एक ही सुबह की लाइफ में सारा सब कुछ सबको अपने साथ लेके चलते हुए, बस तो इतनी क्या करनी, एंजॉय कीजिए इनकी लाइफ को। तो देखिए अब इनका योगा पूरा हो चुका है, अब ये घर की तरफ अपना जा रहे हैं। पानी बचा हुआ है, पानी डालते हैं पेड़ों में, ये सभी पेड़ हमने ही लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हाँ जितने भी पेड़ हैं, ये गमला वगैरह ये सब हमने ही लगाए हैं। ओहो, ये देखिए पानी भी डालते हैं हर रोज ला करके, ये वो कैन है उधर भी और ये भी कैन है मेरे पास। तो ये देखिए पेड़ों की सेवा करते हुए, सेवा करते हैं कुत्तों को पानी पिलाते हैं गमलों में इनके मान जी के। अच्छा, कुत्तों को भी पानी पिलाते हैं, गमलों को मान के धोके। अभी हाँ कुछ लोग आए थे, उन्होंने दूध उसमें डाला। हाँ, दूध भी डालते हैं लोग, वक्त खाने भी देते हैं इन्हों को, कुत्तों को ला के। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, सेहत के प्रति जागरूक करने का। लोग पार्क में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, और मैंने यही दिखाने की कोशिश करी है कि लोग एक दो साल से नहीं, 20-20 साल 30-30 साल से आ रहे हैं जो अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। और मैं चाहता हूँ आप भी जागरूक हों, आप भी पार्क में आएँ और अपनी सेहत को स्वस्थ रखें। तो अगर आपको ये ब्लॉग मेरा सेहत के प्रति पसंद आया है तो कृपया ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस ब्लॉग के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू।